नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज़। मैं प्रवीण, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आकांक्षा दुबे मामले में लगातार प्रत्यारोप आरोप का दौर जो है वो बढ़ता जा रहा है। और आपको बता दें कि पहली बार हम समर सिंह के वकील अगर हम बात करें तो सिविल कोर्ट वाराणसी के वरिष्ठ अधिवक्ता मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, मिस्टर आशीष कुमार सिंह जी हैं जो समर सिंह की केस देख रहे हैं। अगर ऐसे मामले में अगर बात किया जाए तो तमाम प्रकार के आरोप समर सिंह के ऊपर लगे हैं और समर सिंह गिरफ्तार होकर इस समय जेल में है। क्या कुछ प्रकरण है, आज सुनवाई हुई है, इसी पर हम लोग रिपोर्ट लेने के लिए माननीय वकील साहब जी के साथ में जुड़े हुए हैं और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई। सर, जो आज सुनवाई हुई है, क्या आपको क्या लग रहा है, कब तक समर सिंह बाहर आ जाएंगे? आज उनके रिमांड पे सुनवाई थी। आईओ ने उनका रिमांड मांगा था मोबाइल बरामदगी के लिए जी। जिस 72 घंटे का, जिस पे माननीय न्यायालय में बहस हुआ और माननीय न्यायालय ने, हमने एक निवेदन किया था कि हमें एक दिन का समय दिया जाए, इसे हम अपनी बात रख सकें, हम प्रमाण प्रस्तुत कर सकें, तो उन्होंने एक दिन का हमें समय दिया। अब कब सुनवाई होगी? कल। अच्छा, कल फिर सुनवाई कल सुनवाई होगी। क्या लगता है सर, समर सिंह निर्दोष हैं या उनके ऊपर जिस प्रकार से आरोप लगाया जा रहा है कुछ आगे मतलब और भी कहानियां बढ़ेंगी? देखिए, समर सिंह पूरी तरह निर्दोष हैं और उनके ऊपर केवल आरोप है। अब आरोप हमको लगता है केवल स्टारडम की वजह से केवल आरोप है और उनके खिलाफ अभी तक कोई साक्ष्य किसी के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। आकांक्षा दुबे के जो वकील साहब हैं जो उनकी केस को देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास तमाम प्रकार के साक्ष्य वो आ चुके हैं और वो दोषी हैं, समर सिंह दोषी हैं और उनको लास्ट में सज़ा मिलेगी, ऐसा उनका मानना है। इस पे आपका क्या कहना है, क्या क्या आपके पास साक्ष्य हैं और कैसा आपको लग रहा है कि आप उनको बचा ले जाएंगे? देखिए, उनके दो तीन आरोप हैं जी। उनकी माँ द्वारा लगाए गए दो तीन आरोप हैं। पहला आरोप है कि वो पैसा नहीं देते थे। दूसरा तो आरोप है प्रताड़ित करते थे। तीसरा आरोप है उनके कि वो बहुत परेशान करते थे और लगभग 3 साल से परेशान करते थे, लेकिन एक भी प्रार्थना पत्र कहीं उनकी पेंडिंग नहीं है इसके लिए कि किसी थाने चौकी कहीं भी या कहीं मृतक आकांक्षा दुबे के मरने के पहले तक उनके परिवार द्वारा, उनके परिवार के लोगों द्वारा, उनके लोगों द्वारा या खुद मृतक आकांक्षा दुबे द्वारा ऐसा कहीं कोई बयान नहीं है, कहीं कोई एविडेंस नहीं है, कहीं कोई लिखित नहीं है कि हमको समर सिंह प्रताड़ित करते थे। और इसके बाद भी अगर वो कह रही हैं तो ये समझ के परे है। सर, जब मीडिया वाले उनसे ये सवाल करते थे कि आप लोगों ने पहले क्यों आरोप नहीं लगाया इस प्रकार का, तो उनका ये कहना था कि दोनों के संबंध खराब ना हो या हम लोगों की बेइज्जती ना हो, क्योंकि वो स्टार कास्ट थे, भोजपुरी में एक बड़ा नाम था, इसलिए वो लोग ऐसा नहीं करते थे। लेकिन जो ये प्रताड़ना की बात है, जो पैसे की बात है, उनकी माँ बता रही थी कि ये सत्य है। कहने से नहीं होता ना, न्यायालय को साक्ष्य चाहिए ना। अगर वो कह रहे हैं कि स्टार डम की वजह से हमने जो है एप्लीकेशन या नहीं दिया, तो हो सकता है कि स्टार डम की वजह से ही वो ये बयान दे रही हैं, ये भी तो हो सकता भाई। उनसे अब अनेक प्रभाव में आके, प्रलोभन में आके बयान दे सकती हैं वो। सर, इस मामले में दो नाम और बहुत तेजी से आ रहे हैं, एक संदीप सिंह का, एक अनुराधा सिंह। अनुराधा सिंह जो मुंबई से आती हैं, वाराणसी में उनके डेड बॉडी को जलाती हैं, फिर पहुंचती हैं एयरपोर्ट, चली जाती हैं मुंबई। और एक संदीप सिंह जो उनके कमरे तक छोड़ने के लिए गए थे, सीसीटीवी के माध्यम से ये भी पता चला कि 17 मिनट वो कमरे में थे। तो ये दोनों बाहर क्यों हैं, इनके ऊपर क्यों जाँच नहीं चल रही है, क्या कारण है? देखिए, अनुराधा सिंह कौन है मैं नहीं जानता जी। रही बात संदीप सिंह की, तो संदीप सिंह के विरुद्ध तो जाँच होनी चाहिए भाई। अंतिम व्यक्ति वही था जो इनके साथ कमरे तक गया था, होटल तक गया था, और उसकी भी जांच होनी चाहिए। अब केवल पूछताछ करके उसको छोड़ा जाना, ये जांच का बिंदु है, जांच का विषय है, और आईओ को इस पे जांच करनी चाहिए कि भाई आप रात को गए, अंतिम व्यक्ति आप हैं, तो उनको कैसे छोड़ दिया गया, किसके इशारे पर छोड़ दिया गया, ये तो आईओ को देखना चाहिए। क्योंकि वो लाइव आके रोती भी है इंस्टाग्राम पे, ये भी है, ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी आपका प्रश्न बहुत अच्छा है कि वो लाइव आके रोती हैं लेकिन समर सिंह का नाम नहीं लेती हैं। हाँ, ये भी सही है। आप ये बताइए को 3-4 मिनट पहले मरने की, जैसा कहा जा रहा है कि मरने के पहले वो लाइव आती हैं, वीडियो है सर, वीडियो है, और लाइव आती हैं इसके बाद भी वो जो है समर सिंह का नाम नहीं लेती हैं। मरने के पहले कहीं कहीं इंस्टाग्राम पे, कहीं फेसबुक आईडी पे, कहीं व्हाट्सएप पे, कहीं भी वो समर सिंह का नाम नहीं लेती हैं, लेकिन एक बैग मरने के बाद सारा दोष समर सिंह का, ये समझ के पर है और हमें लगता है कहीं ना कहीं समर साजिश के शिकार है। समर सिंह
साजिश के शिकार हैं आपको लग रहा है। अच्छा, आपको क्या लगता है सर, आप बहुत सारी केसें देखे होंगे और वरिष्ठ अधिवक्ता हैं आप वाराणसी के, आपको क्या लगता है कि आकांक्षा दुबे आत्महत्या की है या कुछ उसमें मामला आपको लग रहा है जिसमें समर सिंह का कोई हाथ नहीं है और किसी का हो सकता है, ये आपको कहाँ तक लग, मतलब इसमें आपका क्या विचार? देखिए, हाथ किसका है ये तो विवेचना विवेचक जाने, लेकिन जहाँ तक समर सिंह की बात है हमें लगता है कि इसमें समर सिंह का कोई हाथ ही नहीं है। समर सिंह का कोई मामला नहीं है। और अपने एल्बम और अपने फिल्मों के माध्यम से फिर लोगों को एंटरटेनमेंट करेंगे, बहुत जल्द बाहर आएंगे और फिर एक बार सबके दिलों पे फिर वो राज करेंगे, क्योंकि वो निर्दोष साबित होंगे और दूध का दूध पानी हो जाएगा तो फिर एक बार चाहने वालों की बाढ़ आएगी और चाहने वाले उनको सर पे बिठा के रखेंगे। पुनः ये समय आएगा, कब तक आ सकता है सर, कुछ आप बता सकते हैं? बहुत जल्द, देखिए न्यायपालिका का मामला है, बहुत जल्द, हम डेट नहीं बता सकते, डेट कोई नहीं बता सकता, लेकिन प्रयास है कि बहुत जल्द वो आप सबके बीच में रहेंगे और आप सबके बीच में अपना प्यार फिर पाने का प्रयास करेंगे। तो आपको बता दें मित्रों, ये मेरे साथ समर सिंह के वकील, भोजपुरी गायक समर सिंह, जिनका एक नाम है देसी स्टार लोग कहते हैं, उनके ऊपर आकांक्षा दुबे के मां के द्वारा आरोप लगाया गया है, उस आरोप की जांच हो रही है और उसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं मिस्टर आशीष कुमार सिंह, जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं वाराणसी के। और इस रिपोर्ट को देखने के लिए इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट राय में अपनी राय जरूर दीजिए। मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।